सियासी तब्दीली का खौफ। ऐवान वजीर आला पंजाब से सरकारी रिकॉर्ड नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अली रामे के मुताबिक पंजाब में सियासत की बदलती हुई सूरत हाल के पेश नजर ऐवान वजीर आला पंजाब पर खौफ के साए गहरे होने लगे। ऐवान वजीर आला से सरकारी रिकॉर्ड नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। वजीर आला उस्मान बुज़दार के सरकारी घर से भी तमाम सरकारी डेटा निकाल लिया गया। ऐवान वजीर आला पंजाब में तैनात आला अफसरों ने मुल्क की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर सरकारी रिकॉर्ड नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। पिछला कई रोज से पीटीआई के मुनर्रिफ रुकन कौमी असेंबली की जानिब से ऐवान वजीर आला पर करप्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तरक्याती मनसूबों से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग में भी करप्शन के इल्जाम लगाए गए हैं। मुख्तलिफ हल्कों में ऐवान वजीर आला का नाम आने के बाद सीएम ऑफिस में तैनात अफसरों ने तमाम तर सरकारी डेटा इकट्ठा करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है। ऐवान वजीर आला से बवासूख जराये ने तस्दीक की है कि उनसे लैपटॉप भी ले लिए गए हैं। अफसरों ने अपनी मौजूदगी में मोबाइलों से मुख्तलिफ डेटा खत्म करा दिया। क्लब और 5 क्लब से सरकारी दस्तावेजात पर मबनी सामान पैक करने के बाद 2 ट्रकों पर लाद कर शिफ्ट किया गया है। जराए का कहना है कि चंद रोज कबल वजीर आला की सरकारी रिहायशगाह से सीसीटीवी फुटेज तक डिलीट कर दी गई। तरक्याती मनसूबों का तमाम डेटा भी अफसरों ने अपने कब्जे में ले लिया है। राय ने मजीद बताया कि आला अफसरों ने कंप्यूटर से डिस्क तक उतार कर अपने कब्जे में ले ली है। एक सरकारी अफसर ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अब ऐवान वजीर आला में तैनात बेशतर अफसरों से काम तक नहीं लिया जा रहा और वो सिर्फ अपने दफातर की हद तक महदूद हो गए। सवाले से वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के तर्जमान हसन खावर से राब्ता किया गया तो वो मौकफ देने गुरेजा रहे। याद रहे कि मुल्की सियासत इस वक्त सख्त गर्म है। सरदार उस्मान बुज़दार की तब्दीली का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इधर वफाक में वजीर आज़म इमरान खान की कुर्सी भी खतरात में घिरी हुई है। इमरान खान के रुफका ने वाज तौर पर बता दिया है कि इत्तेहादी अब हमारे साथ नहीं और अगर इत्तेहादियों ने हुकूमत से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया तो इमरान खान को अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।